आई वेस्टेड माई वैल्यूएबल 6 ईयर एज ए यूट्यूबर। मैं आज से 6 साल पहले गेमिंग क्रिएटर हुआ करता था, पोकेमोन गेम पे वीडियो डाल के ग्रो हो रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने मेरे ये चैनल पे कुछ मिस्टेक किए जिसकी वजह से मैं इतना ग्रो नहीं कर पाया। एंड विल यू बिलीव गाइस, जब टेक्नो गेमर के ओनली 21 के सब्सक्राइबर थे तब मेरे 3K सब्सक्राइबर थे, और आज के टाइम टेक्नो गेमर कहाँ है और मैं कहाँ हूँ आप तो देख ही सकते हो। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे 6 साल यूट्यूब स्ट्रगलिंग जर्नी से कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैंने कुछ मिस्टेक किए जो मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप मेरे स्टोरी से अच्छे से सीख के वो गलती ना करो और एक अच्छे मुकाम पे जरूर जा सकते हो। और अगर आपको एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनना है, आपकी एज 13 to 25 ईयर है, तो आई एक्सट्रीमली सजेस्ट यू पुट ऑन योर ईयरफोन्स एंड डोंट स्किप एनी पार्ट। मेरे दिल से बात निकलेगी और डायरेक्ट आपके दिल पे जाएगी। सो इफ यू गो बैक टू द बिगिनिंग 2018, जब मैं पोकेमोन और पोकेमोन गेम्स का काफी शौकीन था, तो मैंने सोचा क्यों ना गाइस मैं भी एक पोकेमोन गेम पे चैनल स्टार्ट करूं। मैं एक पॉकेट फैंटेसी नाम का गेम खेलता था, मैंने सोचा क्यों ना उस पे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो डालूं। तो जस्ट गाइस मैंने ऐसे ही चैनल स्टार्ट किया, बिकॉज ऑफ मुझे फेमस होना इसलिए नहीं, बल्कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी इंप्रूव हो जाए इसलिए मैं वीडियो बनाता था। और जानते हो कैसे वीडियो बनाता था? मेरी वॉइस सुन के आप हंसोगे। हाय फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे सबके चैनल पे गेमिंग चैम्प। तो गाइस मैं इसी नॉर्मल से रिकॉर्डिंग और थोड़ी सी एडिटिंग करके वीडियो बनाता था, और उस पर पहले ही वीडियो पे ठीक ठाक व्यूज आ गए, मैं काफी खुश हो गया। मैंने मेरा चैनल कंटिन्यू किया, ऐसे ही कंटेंट डालता गया, थोड़े थोड़े व्यूज आते गए। और इधर ही की मैंने सबसे बड़ी गलती, जो आप भी करते हो गाइस, मैंने सोचा मेरे निष्का पर्टिकुलर एक्स क्रिएटर तो फ्री फायर पे भी वीडियो डाल रहे और उसकी तो बहुत अच्छे व्यूज आ रहे, क्यों ना मैं भी फ्री फायर पे वीडियो डालूं। तो मैंने पोकेमोन गेम के साथ फ्री फायर गेम पे भी वीडियो डालना स्टार्ट किया, और मुझे रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि वो मेरे चैनल को पोकेमोन गेम के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब किए थे और मैं डालने लगा फ्री फायर, और इसकी वजह से मेरा चैनल का डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ। बट मैंने तुरंत फिर से मेरा कंटेंट चेंज किया और पोकेमोन गेम पे वीडियो डालने लगा, और मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था। लेकिन मुझे लगा बहुत बड़ा झटका, मैं जो गेम पे वीडियो डालता था गाइज वो बैन हो गया, और इसके चलते मेरी पोकेमोन की ऑडियंस है गाइज वो काफी ज्यादा सैचुरेटेड होने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना गाइज मैं फ्री फायर पे थोड़े बहुत वीडियो डाला था, तो फिर से फ्री फायर पे वीडियो डालूं, क्योंकि फ्री फायर क्रिएटर काफी बढ़िया ज्यादा ट्रेंडिंग में भी जा रहे थे। फ्री फायर पे वीडियो तो डाल दी लेकिन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरे पोकेमोन गेम्स पे वीडियो डालूं। तो मैंने दूसरे पोकेमोन गेम्स पे वीडियो डाला लेकिन उन पे भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो गाइज ऐसे टाइम पे मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस में आने लगा, क्योंकि मेरा चैनल तो डाउन पे डाउन जाता रहा। काफी चीजें ट्राई करने के बाद मुझे मिला एक जबरदस्त वाला कंटेंट, वो था गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स। गाइज ये मैंने ऑब्जर्व किया, फ्री फायर के प्लेयर हो या कोई भी गेमर्स हो, सबको रिडीम कोड तो चाहिए होता है, और गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के मुझे कुछ ट्रिक बताते रहते जिससे मैं बढ़िया सा रिडीम कोड वगैरह ले रहा था, और साथ में अर्निंग ऐप भी मुझे कुछ रियल वाले मिले थे जहाँ से मैं रिडीम कोड लेता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मार्केट में जो कमी है फ्री रिडीम कोड वाली जो रियल ऐप है उसको प्रमोट किया जाए। तो गाइज मैंने गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स एंड रिडीम कोड एप्लीकेशन पे वीडियो डालना स्टार्ट किया, और गाइज मेरे वीडियो अचानक से काफी ज्यादा चलने लगे, जहाँ मेरे 150-200 व्यूज आ रहे थे वहाँ अचानक से मेरे व्यूज अच्छे खासे आने लगे, मैं काफी खुश हो गया। उसके बाद गाइज मैंने धीरे धीरे फ्री फायर का कंटेंट भी इंट्रोड्यूस किया, स्पेशल एड्रॉप वगैरह, थोड़े गेम प्ले के कंटेंट भी ट्राई किए, और मेरा चैनल एकदम मक्खन जैसे ग्रो हो रहा था। 2021 के टाइम मेरा बहुत बढ़िया जा रहा था, फ्री फायर भी मस्त ग्रो हो रहा था, काफी खुश था। और इसके चलते गाइज जो मेरा 3GB का पहला मोबाइल था जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह भी सही नहीं होती थी, और गाइज वो मोबाइल मैंने छोड़ के मेरा MI 11X 30,000 का मोबाइल लिया, वो भी यूट्यूब इनकम से, जो आज भी मैं वही मोबाइल यूज करता हूँ। ऑफिशियली इंडिया में बैन हो चुका है, एक और बड़ी गेम इस बार बैन कर दी गई है, पहले फ्री फायर भी बैन हो गया। और गाइज मैं सोच रहा हूँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जो गेम पे ग्रो होता वो गेम ही बैन हो जाता है, एकदम सा अनलक मेरे साथ ही घूम रहा था। उसके बाद मैंने सोचा इतने जल्दी कैसे हार मान सकता हूँ, मैं फ्री फायर पे और कंटेंट डाल तो रहा था लेकिन व्यूज नहीं आ रहे थे। तो गाइज मैंने सोचा चलो अभी कुछ नया चैनल स्टार्ट करते, तब मुझे एलग्रो की हवा लग गई थी, तो मैंने सोचा प्रज ग्रो नाम का एक चैनल स्टार्ट करते, जो आप चैनल देख रहे हो ऐसे यूट्यूब टिप्स का मैंने एक टाइम चैनल स्टार्ट किया था, और उस पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उस पर ठीक ठाक से रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन एट द एंड मुझे रियलाइज हुआ कि गाइज मैं ना उसके लिए नहीं बनाऊँ, मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती थी, और तब के टाइम मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं था, इसलिए गाइज मैंने वो चैनल छोड़ दिया। सोचा फैक्ट और क्रिकेट शॉर्ट्स पे चैनल बनाया जाए, क्योंकि मुझे क्रिकेट में और फैक्ट में वगैरह भी इंटरेस्ट था, तो मैंने वो चैनल स्टार्ट किया वो चैनल पे भी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो आप भी करते हो गाइज। एक चैनल पे स्टिक रहने से अच्छा कि 4-5 चैनल स्टार्ट करते हो, ना एक चैनल पे आप अच्छे से स्टिक रहते हो, 5-6 महीने बिल्कुल काम नहीं करते, 1-2 महीने में चैनल चेंज करते रहते हो, जिसकी वजह से आपको पर्टिकुलर निश की अच्छे से नॉलेज भी नहीं होती और लर्निंग भी नहीं हो पाती। यही गलतियाँ गाइज मैंने भी की थी और यही मेरी बड़ी प्रॉब्लम भी बन गई थी। लेकिन उसके बाद मैं गया फिर से गेमिंग चैनल पे, और मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं गाइज 30 डेज चैलेंज करूँ। मुझे पेस नाम का एक फुटबॉल गेम मिल गया था, मैंने सोचा क्यों ना ये गेम पे वीडियो डाला जाए, तब के टाइम ये गेम पे काफ़ी कम कॉम्पिटिशन लग रहा था इंडिया में, और जैसे गाइज मैं इसके रिलेटेड शॉर्ट्स डालने लगा मेरा चैनल फिर से जबरदस्त ग्रो होने लगा, मैं काफ़ी खुश हो गया, मेरा चैनल फिर से पटरी पे आ गया।
लेकिन यहाँ भी मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हुई। दिक्कत ये हुई कि अगर मैं शॉर्ट्स कंटेंट डाल रहा था और मेरी पहले की जो ऑडियंस थी वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड थी, कुछ फ्री फायर के कंटेंट के लिए आए थे, कुछ पोकेमॉन के लिए आए थे, फुटबॉल के शॉर्ट्स डाले, फुटबॉल पे लॉन्ग कंटेंट ट्राई किया, बट मेरे केस में मेरे लिए वर्क नहीं करा, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर से लगा मुझे बहुत बड़ा झटका, जो गेम पे मैं वीडियो डाल रहा था ये वाला गेम भी हो गया बैन। और इसके बाद मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि गाइज मुझे समझ नहीं आ रहा था, लग तो अनलग तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। फ्री फायर पे कंटेंट स्टार्ट किया, फ्री फायर बैन हो गया, पोकेमॉन गेम से स्टार्ट किया, पोकेमॉन गेम बैन हो गया, उसके बाद फुटबॉल का गेम पकड़ा वो भी बैन हो गया। अब मेरे पास तीन टाइप के अलग अलग गेम की ऑडियंस आई थी और वो इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई थी कि मैं कंटेंट ट्राई तो कर रहा था, रिडीम कोड की वीडियो डाल रहा था, अंदर अंदर फ्री फायर के डाल रहा था, फुटबॉल शॉट डाल रहा था, मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। और ये भी मेरी गलती थी कि मैंने अलग अलग गेम की ऑडियंस बुलाई और उसके बाद मैं किसी को अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाया। अगर देखा जाए तो पूरी गलती मेरी नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा लक भी मेरा फेवर में नहीं था, जो गेम पे वीडियो डालता था वो गेम बैन होता था। बट मैंने हार नहीं मानी, इसके बाद मैंने स्टार्ट किया गाइस फिर से। लेकिन अब आ चुका था 2022, सोचा कि नया साल से नया चैनल स्टार्ट किया जाए। मैंने एआजमर एनिमेशन का एक चैनल स्टार्ट किया, प्रज एनिमेशन नाम से। वहां मैं करता सिंपल था गाइस, अलग अलग क्रिएटर की वीडियो कॉपी करता था और जस्ट उसको मेरे वे में एडिट करके शॉर्ट्स में डालता था। मुझे लगा मेरा काम हो जाएगा, वो चैनल पर भी वीडियो डाले, थोड़े थोड़े शॉर्ट्स के व्यूज आए और वो भी चैनल मैंने छोड़ दिया। तो गाइज ये कुछ मिस्टेक है ना जो आप भी करते हो, जो मैंने भी काफी की थी, इसलिए मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। और मैं इसलिए आपको वीडियो में हमेशा कहता हूँ 5-6 महीने तो एक चैनल पर स्टिक रहो, जो मैं भी नहीं रहता है। प्रज एनिमेशन चैनल भी मैंने छोड़ दिया, इन केस शायद मैं अगर रहता वो चैनल पर तो शायद इस पर तो अच्छे खासे व्यूज आ सकते थे, लेकिन वो चैनल भी मैंने छोड़ दिया। मेरे पास अब हाथ में कुछ भी नहीं था, गेमिंग चैम चैनल भी लगभग 150 हो गया था, जितने भी चैनल स्टार्ट किए सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। अब मैं गाइज एकदम स्टक हो गया लाइफ में, सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। इसके अलावा काफ़ी पर्सनल लाइफ में भी इशू आए थे, एकदम स्टक हो चुका, एकदम जीरो पे आ चुका था। तो गाइज मैंने सोचा क्यों ना मेरे एक्सपीरियंस का यूज़ मैं बाकी क्रिएटर्स के लिए कर सकता हूँ। और तब के टाइम गाइज स्टेप ग्रो नाम का क्रिएटर काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा था और मैंने देखा एलग्रो अभी कंटेंट नहीं बना रहा है, तो ये इस पर डेफिनेटली काफ़ी ऑडियंस को जरूरत है यूट्यूब टिप्स की। तो गाइज मैंने भी इसमें एंटर किया, लेकिन यह भी मैंने की बहुत बड़ी गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। गाइज सारे क्रिएटर लगभग ट्रेंड जैकिंग का यूज़ किए, चाहे वो ट्यूब सेंसी हो, स्टेप ग्रो हो या बाकी क्रिएटर हो, सब ने ट्रेंड जैकिंग का यूज़ किया, इवन डिकोडिंग वाईटी ने भी। लेकिन गाइज यह भी मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आप भी करते हो कि ट्रेंड जैकिंग का यूज़ नहीं करते। गाइज ट्रेंड जैकिंग का मीन सिंपल होता है, जो भी क्रिएटर या जो भी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अभी हॉट टॉपिक है, वायरल जा रहा है, उस पर वीडियो बनाने चाहिए। सारे लोग एलग्रो पे वीडियो बना के मस्त व्यूज छाप रहे थे और इनिशियल ऑडियंस भी उनके पास आ रहा था, बूस्ट भी मिल रहा था। वही मैंने ईगो पे आके डिकोडिंग वाईटी पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें उसके पसंद नहीं थे और मैं मेरा कुछ गेमिंग चैनल का एक्सपीरियंस वहाँ शेयर करने लगा, गेमिंग टिप्स के वीडियो डाले, अलग अलग कंटेंट ट्राई किया, बट यहाँ भी लक ने मेरा साथ नहीं दिया। गाइज मेरे जो वीडियो वो बिल्कुल सही ऑडियंस तक नहीं जा रहे थे, अगर मैं ट्रेंड जैकिंग का यूज करता तो इट माइट बी पॉसिबल मेरे वीडियो सही ऑडियंस तक जाते, लेकिन ये भी मेरी गलती थी जो मैंने इसका यूज नहीं किया। और गाइज लगभग 3 से 4 महीने हो चुके, मुझे लगभग 200 ही सब्सक्राइबर मिले थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था क्योंकि 4 महीने में लोग तो लाखों हजारों सब्सक्राइबर करके बैठे थे और मैं तब के टाइम सिर्फ 200 सब्सक्राइबर पे था। बट यह भी मैंने पेशेंस नहीं छोड़ा और हार्डवर्क करते रहा, चाहे बैड लक हो, हार्ड लक हो, जो भी हो, मैंने पेशेंस नहीं छोड़ा और मैं कंटेंट डालता गया। उसके बाद 5-6 महीने के बाद मेरा एक कंटेंट वायरल गया 30-day चैलेंज का, जो एकलौता मैं क्रिएटर हूं जिसने चैलेंज स्टार्ट किया था, और उसके बाद धीरे धीरे मेरी ग्रोथ पकड़ने लगी। और गाइस आप जानते हो 11 प्रज लगभग अब 20K सब्सक्राइबर पे आने लगा। तो गाइस अगर आप चीज ऑब्जर्व करेंगे तो 11 प्रज भी 20K पे है, लेकिन ग्रोथ इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है जो होनी चाहिए थी क्योंकि मैंने काफी ज्यादा मिस्टेक किए, थोड़ा बैड लक भी मेरे साथ था, तो जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन मैंने पेशेंस नहीं छोड़ा और मैंने काफी ज्यादा मिस्टेक किए, जो मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए, और इसीलिए गाइस मैंने ये चैनल स्टार्ट किया जिससे आप एटलीस्ट ये मिस्टेक ना करो। और गाइज अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सारे मिस्टेक एक बार रिवाइंड कराना चाहता हूँ, कभी भी ये मल्टीपल चैनल पे वीडियो मत डालो, एटलीस्ट 3 से 6 महीने एक चैनल पे स्टिक रहो और कभी भी ज़्यादा मिक्स कंटेंट मत, तो मेरे चैनल जैसी हालत हो जाएगी आपकी भी। इसके अलावा ट्रेंड जैकिंग का यूज़ करना है जो मैंने नहीं किया, और भी कुछ मिस्टेक्स किए जो मैंने पूरे वीडियो में आपके साथ शेयर किए। तो गाइज ये वीडियो बनाने का मोटिव इतना ही था कि जो मैंने मेरे 6 साल में मिस्टेक किए जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर इनमें से मैं कुछ मिस्टेक अवॉइड करता तो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ग्रो होता। बट कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा ग्रो होता तो शायद 11 प्रज चैनल आज स्टार्ट नहीं होता, और 11 प्रज चैनल स्टार्ट नहीं होता तो आपके साथ मुझे मिलने का मौका नहीं मिलता, आप सब जैसी बड़ी फैमिली मुझे नहीं मिलती, और डेफिनेटली हम 1 लाख सब्सक्राइबर भी जल्दी ही रीच करेंगे आप सबका सपोर्ट की वजह से। 1 लाख तो सब्सक्राइबर होने ही वाले, बस 1-2 महीने की बात है गाइस, बस आपके थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी गाइज अगर आप ये वीडियो से मेरे से कनेक्ट कर पाए और मेरे 6 साल की जो जर्नी थी, स्ट्रगलिंग जर्नी बोलना सही रहेगा, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।